Very good morning, students. Here I am, Poonam Prasad, with the important topic, and the topic is your question bank. Yesterday class, I have already told you about the completion of our chapter Federalism, that which is the second chapter of your political science. ऑफ योर क्लास स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि द चैप्टर इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, वेटेज इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, इट इज़ क्वाइट इन टर्म्स ऑफ वेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम अपने पीरियोडिक्स की बात करें या हम अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की बात करें, तो द चैप्टर इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. सो इन द मीन टाइम हम लोग वी कैन गो थ्रू विद द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डेली इन आवर क्लासेस. हम लोग उसको लेते रहेंगे. 5 क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू, बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू 3 marks एंड 5 marks आई वुड लाइक टू डिस्कस टुडे. फाइन स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ 3 marks, डिफाइन फेडरलिज्म and with example of India, it can be the example of Belgium also. So you have to define that federalism and with the reference to India. Second most important question, and you people are very well known about the federalism, the definition of the federalism, and in India why it is considered as a federal country. Then explain the different routes to federalism. Yes, it is consist of your holding together and coming together, federation. Children, याद रखिएगा कि ऐसे questions को deal करते वक्त, खासकर अगर कोई specific question है और question का question में आपके examples दिए गए हैं, तो you have to go through with examples, क्योंकि examples के भी points होते हैं. Then differentiate between unitary and federal form of government with examples. Children, अगर जैसे for example मैंने आपको different routes to federalism दिया है, लेकिन इसमें मैंने ये नहीं कहा that you have to go through with the examples, but without by default you have to write down the examples. Then the threefold distribution of legislative powers between union and state government in India. सबसे बड़ी बात ये है कि आप बच्चों ने सब कुछ पढ़ा होता है, टीचर ने पढ़ाया भी है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो हियर इट इज़ स्ट्रेट अवे, ये थोड़ा सा घुमा के उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, इट मीन्स लॉ मेकिंग पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. इज सिंपल मीन्स है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. तो इसमें जो आंसर आएगा दैट इज़ योर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड योर रेसिड्यूरीज. फाइन, देन डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. बेटा, देर इज़ अ वर्ड इन, बीच में छूट गया है, यू हैव टू गो थ्रू विद द इन. फाइन, देन इट मीन्स दैट लोकल गवर्नमेंट विच इज़ क्वाइट द थर्ड टायर सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. सो यू हैव टू टेल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट मीन्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ क्वाइट बिग. ठीक है, वो एक बहुत बड़ा कंट्री है, काफ़ी मल्टी फेसेट कंट्री है, तो वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से एक्ट करेगा, चाहे वो रूरल इंडिया में हो चाहे वो अर्बन इंडिया में हो. ठीक है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. देन वॉट आर द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. चिल्ड्रन, यू हैव टू गो थ्रू विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट. वहाँ पे देयर इज़ अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज देयर. गिव टू एस्पेक्ट्स विच आर क्रूशियल फॉर इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म. बेटा, हम फेडरलिज्म को किस तरीके से, कौन से ऐसे 2 तथ्य हैं जिसके वजह से हम फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इंस्टीट्यूशन में क्रूशल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म, इट मीन्स हाउ डू वी प्रैक्टिस द फेडरलिज्म. फाइन,
तो यू हैव टू गो थ्रू विद द लैंग्वेज पॉलिसी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप लाइक दैट. ठीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज़ ऑल्सो द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. देन कम्स टू, इसके अलावा भी एकोमोडेशन ऑफ सोशल एकोमोडेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स हो सकता है टू सस्टेन द हार्मनी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये आपके आंसर सिक्स हो सकता है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग, दैट इज़ द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ. द जुडिशरी का रोल इन टर्म्स ऑफ इट इज़ अ वेरी क्वाइट इम्पॉर्टेंट, यू कैन से ऑर्गन ऑफ द कंट्री. सो जुडिशरी का रोल, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स द ज्यूरिडिक्शन, द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल, हाउ डू दे जनरेट देयर इनकम चिल्ड्रन, बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट. सम स्पेशल स्टेटस गिवन टू सम स्टेट्स इन इंडिया. बेटा द वर्ड इज कॉल्ड एज इन, राइट, इन इंडिया. सम स्पेशल स्टेटस गिवन टू सम स्टेट्स इन इंडिया. Earlier it was, beta, the word is here, in, fine. Then what is Gram Sabha? Describe its any two functions. You have to go through with the notes. There is a Gram Sabha. Gram Sabha ka Gram Panchayat mein kya role hai, wo kis tarah se meetings conduct karate hain, that is. बेटा स्पेशल स्टेटस पे सम स्टेट्स आर गिवन सम स्पेशल स्टेटस. इसमें थोड़ा सा दिल्ली का वर्जन देखना. एग्जांपल, अर्लियर इट वाज अंडर द सेक्शन ऑफ 370, आपको आर्टिकल 370, उसमें आपके जम्मू एंड कश्मीर के बारे में दिया गया था, बट नाउ इट इज़ स्क्रैप ऑफ. तो आपको इसको थोड़ा सा गो थ्रू होना है विद द नोट्स. देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट. बेटा ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन हैं. तो इसमें यूनियन एंड स्टेट लिस्ट में इनके सब्जेक्ट्स के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में, और किसका जुरिस्डिक्शन होता है, यू हैव टू गो थ्रू विद इट. दैट इज़ द सेम थिंग विद द कंकरेंट और यूनियन लिस्ट. इसमें भी डिफरेंसेज आ सकता है. एंड द जुडिशरी सब्जेक्ट्स, बेटा सॉरी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ये वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स हु इज़ गोइंग टू हैव द ज्यूरिसडिक्शन ओवर द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, फाइन. मतलब हु इज़ गोइंग टू मेक द लॉज ओवर देयर. देन कम्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें फ्रेम आउट है, तरह तरीके से हैं. मैं मोटे मोटे तौर पे आपको जो फेडरलिज्म के फीचर्स या प्रिंसिपल है, ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन. आपको सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखना बेटा, पॉइंट्स लिखने के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करना. बेटा आपको एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स में भी चाहिए, एंड यू हैव टू गो थ्रू विद द 5 मार्क्स ऑल्सो. वॉट मेक इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इट इज़ नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पॉइंट्स ऑन इट. देन एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. इसमें फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है, इसमें इंडिया को फेडरल कंट्री में आपको उसको को रिलेट करना पड़ेगा विद द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट वेरियस लेवल. बेटा इसमें आपको चारों यू हैव टू इंक्लूड विद द एग्जाम्पल्स, यूनियनलिस्ट, स्टेटलिस्ट, कंकरेंट एंड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स. हाउ डज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? द लैंग्वेज पॉलिसीज, लिंग्विस्टिक एंड स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप. आप कहेंगे मैम ये तो 3 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का कैसे? बेटा इसको एनालिसिस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स दैट यू पीपल आर गोइंग थ्रू दिस, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स योर numbers of examples, fine. Define decentralization. You have to go for the decentralization, the definition of centralization, decentralization. और ये जो पूरा टॉपिक मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया है कि हमें लोकल गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ऑल दो वी आर हैविंग यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, वॉट सॉर्ट्स ऑफ द हिंड्रेंसेज और द ऑब्स्टिकल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ, या हम कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट की वीकनेस क्या है. ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पॉर्टेंस ज़रूरी है, बट इसकी वीकनेस क्या है. रेवेन्यू जनरेशन है एट दिस लेवल, कई तरीके से रेवेन्यू को जनरेट किया जाता है अर्बन एज वेल एज द रूरल इंडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992. बेटा दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इसके तहत हमने
लोकल गवर्नमेंट को पावर्स दी हैं टू वर्क मोर एंड मोर इफेक्टिव एंड इट्स फीचर्स। बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं सिविक्स में या पॉलिटिकल साइंस में जो कि पॉइंट्स को निकाल के आपको वो क्वेश्चन दे देंगे, उससे उस पॉइंट के फीचर को प्रेजेंट कर देंगे और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट और योर आंसर। जैसे स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है। लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएशन पे क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। लैंग्वेज पॉलिसीज़ में आपको हिंदी को एज ए लेकर या ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लेकर इस पे क्वेश्चन अलग से पूछा गया है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को भी आपको अलग से डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए, ये 3 मार्क्स है क्वेश्चन में। दैट इज़ द सेम थिंग विद द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देन यूनियनलेस स्टेट कंकरेंट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स विद द एग्जाम्पल्स। देन अलायंसेज और कोलिशन गवर्नमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजनल पार्टीज। आप लोगों ने देखा होगा कि 1990 के बाद किस तरीके से हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चेंज हुई है, ट्रिमेंडस चेंज हुआ बिकॉज ऑफ कमिंग अप ऑफ रीजनल पार्टीज, जिसके वजह से यूपी और एनडीए का गठन हुआ और अल्टीमेटली अलायंसेज फॉर्म हुए। कई बार तो गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए मिलीजुली सरकार, या जिसे हम लोग मिलीजुली सरकार भी कहते हैं, एक गठबंधन की सरकारें और मिलीजुली सरकार, ये एक इश्यूज आ जाता है और इसने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ अ कंट्री को चेंज किया है। विद एग्जांपल्स वी हैव टू गो थ्रू विद दिस। फेडरलिज्म वर्क ओनली इन बिग कंट्रीज, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। क्या ये सही है कि फेडरलिज्म सिर्फ बिग कंट्री में? अगर ऐसा है तो वी हैव टू कंपेयर द टू मेन इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज ऑफ इंडिया। वन इज केस स्टडीज ऑफ फेडरलिज्म, एक तो हम पावर शेयरिंग के साथ ही जोड़ते हैं, एक को हम लेंगे बेल्जियम और दूसरा लेंगे इंडिया। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री। अब दोनों में हम कहें कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव फेडरलिज्म देयर, वाई वॉज अ कॉशियस अप्रोच टेकन टू यूज़ ऑफ स्प्रेड ऑफ हिंदी। हिंदी एज अ लैंग्वेज पॉलिसी में हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन उसके बाद जो एक जो वॉयलेंट आया from the side of the countrymen, especially the southern part of India, they have opposed this law given by, or they have opposed the approach from the side of the central government of India, aur iske liye ultimately central government ko fir turned up karna pada hindi, english aur hindi ko chhod other 21 scheduled languages ko other 21 languages ko as a scheduled language, fine। तो इस पे आपको यू हैव टू गो फॉर इट स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर्स, फाइन। ये हमने चैप्टर पढ़ा, दैट इज़ द सेकेंड चैप्टर, और पावर शेयरिंग हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट क्लासेस वी आर गोइंग टू हैव आर पॉलिटिकल पार्टीज़, फाइन। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आउट ऑफ 4 चैप्टर्स वी हैव कम्प्लीटेड द टू आर इन आर हैंड, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इकोनॉमिक्स, राइट बेटा। लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू वॉच द वीडियो, यू हैव रिवाइज द टॉपिक, यू हैव टू गो टू द नोट्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, फाइन बेटा। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।